हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशा लता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे अगस्त्या जो फ्लावर है, उसमें फ्लावर भी आ गया फिर भी उसका पॉट छोटा हो गया। तो आज हम उसका रिपोर्टिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका मिट्टी भी कैसा होना चाहिए चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें सब फ्लावर आ गया। देखिए कितना सुंदर सब फ्लावर, ये देखिए। तो अभी इसका जो पॉट है ना, ये उसमें पूरा रूट आ गया। तो देखिए ये भी, ये सब फ्लावर देखिए फ्रेंड्स, और पूरा सब भीतर भीतर फ्लावर आ गया। तो अभी इसका थोड़ा केयर लेना चाहिए। तो अभी बहुत बड़ा पौधा हो गया। तो देखिए इसमें सब पूरा फ्लावर है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका रिपोर्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यही पर जो मिट्टी है ना, ये 3-4 महीना पहले हम रेडी करके रख दिया। इसमें जो काउडम कंपोस्ट और मिट्टी 50-50 मिला के हम रख दिया। तो अभी ये रेडी हो गया। और ऐसे भी काउडम कंपोस्ट बहुत पुराना है, तो ये हम मिक्स करके रख दिया। यही मिट्टी हम यूज करेंगे। Thank you.
तो फ्रेंड्स देखिए ये अगस्तिया फ्लावर का जो पौधा है हम रिपोर्टिंग कर लिया दोनों मिलके, तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, बस हो गया। और फ्रेंड्स इसका पानी ज्यादा मत दीजिएगा क्योंकि इसका ना रूट बहुत सड़ जाता है, तो जब देखिएगा ड्राई हो गया तब पानी दीजिएगा, कम पानी दीजिएगा तो ठीक रहेगा, ज्यादा पानी दीजिएगा तो ये खराब हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा केयर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स पहली बार जब पानी दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, पानी जब इसका ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाएगा तो अच्छा है, इसलिए देख लीजिएगा। बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी दीजिएगा, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, और ये धूप में रखिएगा तो अच्छा फ्लावर आपको देगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।